हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई जॉब अपडेट जो कि मर्सिडीज़ बेंज की तरफ से पोस्ट की गई है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको उस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। तो हमने आपको इस पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप कुछ इस इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये पोस्ट फरवरी 2022 की है मर्सिडीज़ बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, और ये पोस्ट है OEP KBIW डिज़ाइन इंजीनियर के लिए। तो ये पेज जो है ये जर्मन में है, तो इसे मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टास्क क्या है और आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी। यहाँ पे दिया है कि 0 to 3 years इन इंजीनियरिंग सर्विस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। इसका मतलब कि फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आपको बॉडी शॉप फिक्चर डिज़ाइन 2D और 3D, टीम सेंटर, EC NX और प्रोग्रामिंग इन पाइथन और C# में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे दिए हुए, आपको नॉलेज होना चाहिए बॉडी शॉप फिक्चर डिज़ाइन पे, प्रोडक्ट नॉलेज एंड प्रोसेस नॉलेज इन बॉडी शॉप, नॉलेज इन व्हीकल असेंबली एंड असेंबली सिस्टम्स, आपके पास गुड कोऑर्डिनेशन स्किल्स होने चाहिए और आप एक अच्छे टीम प्लेयर होने चाहिए। अभी देख लेते हैं क्वालिफिकेशंस क्या है इस जॉब के लिए। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दिए हैं BE और BTEC। इसका मतलब आप अगर ग्रेजुएशन डिग्री पास, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है BE या फिर BTEC की, और फिर आप चाहे कौन से भी ब्रांच से हो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉब नंबर दिया है और ये जॉब अपडेट जो है ये 1 फरवरी 2022 को इन्होंने पोस्ट की है। फील्ड ऑफ एक्टिविटी रहेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिज़ाइन, और डिपार्टमेंट रहेगा टेक्नोलॉजी फैक्ट्री 1। यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स कंपनी की ओर से दिए जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं बेनिफिट्स क्या है। यहाँ पे है कंपनी कार पॉसिबल, इन हाउस डॉक्टर, मेल डिस्काउंट्स, कोचिंग, कंपनी रिटायरमेंट, बैरियर फ्री वर्क प्लेस है, फ्लेक्सी टाइम पॉसिबल है, होम ऑफिस पॉसिबल, मोबाइल फ़ोन्स पॉसिबल, मोबाइल फ़ोन्स अलाउड हैं, गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, कैंटीन कैफेटेरिया है, इवेंट्स फॉर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, पार्किंग की फैसिलिटी है, हेल्थ बेनिफिट्स है और डिस्काउंट्स फॉर एम्प्लॉयज़ पॉसिबल। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ डिस्काउंट कूपन्स या फिर डिस्काउंट्स दिए जाते हैं और इंटरनेट कनेक्शन। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स। अभी हम देख लेते हैं कि इस जॉब के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आप यहाँ पे जब इस पेज पे आओ जाओगे आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई नाउ का। जब आप इस अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो कि डैमलर की साइट है। फिर यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है कंटिन्यू पर। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहली इस मर्सिडीज़ बेंज की या फिर डैमलर के साइट पे आपका अकाउंट रजिस्टर है या फिर क्रिएट किया है तो आप उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉग इन करके जॉब को अप्लाई करना है। अगर आप नए यूज़र हो, यहाँ पे आप पहली बार आए हो, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा न्यू यूज़र पे। जैसे ही आप न्यू यूज़र पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स डालनी है, यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल एड्रेस। तो पासवर्ड के लिए इन्होंने कुछ रूल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आपका पासवर्ड जो है वो मिनिमम 10 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 32 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए। पासवर्ड में आप इस ये जो इन्होंने दिए हुए इसमें से आप कौन से भी सिम्बॉल्स या फिर लेटर्स यूज़ कर सकते हो। आपके पासवर्ड में एटलीस्ट एक लेटर जो है वो अपर केस या फिर लोअर केस का होना चाहिए। उसके बाद आपके पासवर्ड में एक न्यूमेरिकल कैरेक्टर होना चाहिए 0 to 9 कौन सा भी। उसके बाद आपके पासवर्ड में कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर सेम नहीं होने चाहिए, जैसे कि AA BB CC, कोई भी दो कैरेक्टर सेम कॉन्जिक्यूटिव में नहीं होने चाहिए। और आपका जो पासवर्ड है वो आपके यूज़र नेम से मैच नहीं होना चाहिए, और आपको ऐसा पासवर्ड यूज़ करना है जो आपने पहले एटलीस्ट 12 बार कभी भी यूज़ नहीं किया है पहले। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस और डाल के रजिस्टर पे क्लिक करोगे
तब आपके सामने अप्लाई का एक बटन दिखाई देगा, जहाँ से आपको रेज्यूमे अपलोड करके उस जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप लिंक्डइन पे है, आपका अकाउंट लिंक्डइन पे है, तो आप लिंक्डइन के सहायता से भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको जस्ट साइन इन विथ लिंक्डइन करना है और आपका लिंक्डइन का अकाउंट सिलेक्ट करके आपको उस जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो ये थी आज की हमारी नई जॉब की अपडेट। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी इशू आता है रजिस्ट्रेशन के टाइम या फिर जॉब अप्लाई करते टाइम, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।